नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। जानते हैं मोदी सरकार 2 फिर से जो है सत्ता में आ चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है और मंत्रियों के साथ साथ पूरी मंत्रिमंडल का विभाग बंटवारा भी हो गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि वर्तमान में या कह सकते चुनाव से पहले जो गृह मंत्री थे उनको रक्षा मंत्रालय का पद दिया गया, यानी राजनाथ सिंह जी। आमतौर माना जाता है कि गृह मंत्री जो होते हैं ना वो प्रधानमंत्री के बाद जो है उनकी जो है शख्सियत हुआ करती है, दूसरे नंबर के जो है सबसे पावरफुल नेता हुआ करते हैं। इस बार मोदी सरकार ने सबसे बड़ा उलटफेर यही किया हुआ है। गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी को जो है नया मंत्रालय दिया गया है उनको, या कह सकते गृह मंत्री बनाया गया है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है उसका ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय गुजरात में CM हुआ करते थे, नहीं मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो अमित शाह उनके गृह मंत्री हुआ करते थे। और उनके शासनकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, ऐसा जो है जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो बताते हैं। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने उनको उन पर भरोसा किया है, उनको नया गृह मंत्री मोदी सरकार 2 में जो है पदभार दिया गया है। बहुत से जो है चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह जी को पिछली बार गृह मंत्री था, इस बार उनको बनाया गया रक्षा मंत्री बनाया गया है। और जो सीतारमण जो हमारी रक्षा मंत्री थी, इस बार उनका पद जो है उनको जो है उनसे मंत्रालय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से बात की जाए तो यहाँ पे 8 जो है कैबिनेट मंत्रियों को मौका दिया गया है। और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए बिहार राज्य की, तो लगभग 6 मंत्रियों को वहाँ पे जो है 6 मंत्रियों को वहाँ जो है मंत्रालय दिया गया है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ भी 6 मंत्रियों को जो है पद दिया गया है। इस तरीके से पूरी कैबिनेट बन चुकी है मोदी सरकार की। और लगभग प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उनकी कैबिनेट को लेकर कुल 58 लोग जो है इस समय कार्यपालिका के पद पर कार्य करेंगे, जो राष्ट्रपति का सहयोग करेंगे। अब देखना यह होगा कि जो जनता ने जिस जो है आशा के साथ, जिस जो है अपेक्षा के साथ सरकार बनाई है, जनता के जो है इरादों पर, जनता के भरोसे पर सरकार कितना काम करती है। हालांकि सरकार के सामने बहुत से चैलेंजेस, बहुत से जो चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी बात यह है सरकार के सामने राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली सरकार में मोदी 1 में उन्होंने जो है मोदी सरकार पार्ट 1 में उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो जो हो नहीं पाया। इस 5 सालों में जनता चाहेगी कि राम मंदिर का निर्माण हो। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या या कह सकते दूसरी सबसे बड़ी चैलेंजेस उनके सामने है वह है कश्मीर का मुद्दा है। धारा 370 मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कैबिनेट को जो है जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। जनता कहीं ना कहीं 370 और जो आर्टिकल 35A है 35A में भी जो है भारत की जनता चाहती है कुछ न कुछ जो है बड़ा उलटफेर हो सके। इन 5 सालों में काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं नया आंकड़ा आया हुआ है कि जो अभी सत्ता संभाले हुए 2 दिन हुआ और कल ही एक जो है आंकड़ा आया हुआ है कि इस समय जो हमारी विकास दर है वो कहीं ना कहीं घट चुकी है। यह भी विपक्षी पार्टियों को मौका मिल चुका है मोदी सरकार को घेरने का। अब देखना ही होगा बेरोजगारी के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे। अभी किसानों के लिए सरकार ने बहुत बढ़िया उन्होंने जो है जो एक तरीके से ऑर्डिनेंस लाए थे उनको पहले जो है कैबिनेट में उन्होंने फिर उस पर जो है ऑर्डिनेंस लाए हैं, वो है हर किसानों को हर साल 6,000 रुपये देने का जो वादा था उस पर उन्होंने मोहर लगा दी है। 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में उनको मिलेगा। ये तमाम चीज़ें इस पर कार्य करना होगा सरकार को। अब देखना ही होगा कि सरकार से जनता क्या चाहती है और सरकार से जो जनता उम्मीदें दे करके सरकार को चुनी है, अब सरकार कितना उस पर खरा उतरती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट न्यूज़। मैं मोहम्मद शोएब आपसे लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।